लेफ्टिनेंट प्रीति यादव का पैतृक गांव जोनियावास में पहुंचने पर ग्रामीणों व इलाके के गणमान्य लोगों के द्वारा फूल माला व बुक्के भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले लेफ्टिनेंट प्रीति यादव का विजय जुलूस निकाला गया, जो गांव ताजनगर से गांव जोनियास तक निकाला गया था। गांव में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची लेफ्टिनेंट प्रीति यादव का पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुलदस्ता व फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पहले आसपास के ग्राम पंचायतों व प्रमुख लोगों सहित रेवाड़ी से माननीय न्यायाधीश रितु यादव ने गुलदस्ता, फूल माला व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मान की इस कड़ी में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्गों व नौजवानों ने भी प्रीति यादव को आशीर्वाद देते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रीति यादव ने कहा कि इंसान का सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सभी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह देश का भविष्य सुधार सके। प्रीति यादव के स्वागत के लिए उनके स्कूल से भी विद्यार्थी और साथ पढ़े हुए बच्चे भी पहुँचे। लेफ्टिनेंट प्रीति यादव ने कहा कि यह सपना उनके स्वर्गीय दादाजी मांगेराम यादव का था, और उन्होंने आज यह सपना पूरा कर दिया। खंड फरुखनगर से पहुंचे छायाकार बंधुओं ने भी प्रीति यादव का अभिनंदन किया। वही किसान नेता राव मान सिंह ने कहा कि बेटी ने क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश का नाम ऊंचा किया है। प्रीति यादव के लेफ्टिनेंट बनने पर क्षेत्र में एक अनोखी खुशी देखने को मिली। उनको शुभकामनाएं देने नारनौल से भी व्यक्ति पहुंचे। आज हरियाणा का गौरव बन चुकी है लेफ्टिनेंट प्रीति यादव। इस पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हमें अपनी बेटियों पर नाज करना चाहिए। इसी तरह अगर अन्य बेटियां भी मेहनत करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे क्षेत्र से IPS, IAS व HCS अफसर बनकर देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रीति यादव के सम्मान समारोह में पहुंची रेवाड़ी की जज रितु यादव। इस मौके पर किसान क्लब के अध्यक्ष राव मान सिंह, जिला पार्षद रितु यादव, पूर्व चेयरमैन सोम प्रकाश, रमेश लंबड़दार, बालकिशन रवि यादव, सरपंच सरोज यादव, ब्लॉक समिति केशव कुमार और क्षेत्र से पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने लेफ्टिनेंट प्रीति यादव का अभिनंदन किया। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं विजय जुलूस की झांकियां। और क्या कहा पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने, डेढ़ बजे था, लेकिन गांव में प्रोग्राम होने की वजह से देरी से आपके लिए पहुंचता हूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और आज हम सब लोग बेटी प्रीति के सम्मान समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट प्रीति ये अकेले जोनियावास के लिए प्रेरणा नहीं है, ये हमारे इस पूरे इलाके की मैं कहूं एक प्रेरणा स्रोत है कि यदि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आज देश में नाम रोशन करेगी। ये एक शुरुआत हुई है और इस शुरुआत का ये माँ बहनें भी खड़ी हैं। यदि अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, वैसे मेरा ये आकलन है कि आज से 20-30 साल पहले जब हम जवान थे तो उस टाइम बहुत कम लड़कियों को गांव से शहर में पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन अब जमाना बदला, कॉलेज नए नए आ गए, नजदीक नजदीक कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल तकरीबन 5-4 किलोमीटर में हो गए, तो इलाके में अहिरवाल में खासतौर से बदलाव आया एजुकेशन के प्रति। और एजुकेशन में मेरा यह आकलन है कि जहीरवाल में यदि IAS का हो, IPS लगे तो ज्यादा लड़कियां पास होती, लड़के कम पास होते। तो हमारा गुड़गांव का तो दुर्भाग्य है कि जितने हम रिजल्ट लेते हैं, देखते हैं किसी भी चीज, SCS का देखे, IAS का देखे, 80% हमारी बिरादरी के लोग नारनौल और रेवाड़ी के होते और 20% मुश्किल से गुड़गांव के आते हैं।
ये पता नहीं क्या कारण है, लेकिन एजुकेशन संस्थाएं हमारे यहाँ उन संस्थाओं से ज्यादा है, लेकिन कुछ संपन्नता ज्यादा आ गई या क्या आ गई, उतने ना लड़के पढ़ते हैं जितना पढ़ना चाहिए, ना बेटियां पढ़ती हैं। परिवार वाले हर आदमी आजकल चाहता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दें, अपने बच्चों के प्रति अपनी, क्या कहूं मैं, कि अपनी इच्छा से और अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करता है परिवार। लेकिन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है। आज ये प्रीति यादव लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई, ये प्रेरणा है हमारे लिए कि हम यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो आज लेफ्टिनेंट कोई आईएएस बनेगी, कोई आईपीएस बनेगी, और ये गुड़गांव जिला का सौभाग्य होगा कि हमारे एजुकेशन पढ़ के। और प्रीति ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं मिनिस्टर रहा आज नहीं, ये शोहरत एक दिन रहेगी, दो दिन बाद खत्म हो जाएगी। संपत्ति आज है, कल किसी के पास थी, परसों किसी और के पास होगी। ये एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो मरने तक आपके साथ रहेगी, तो इसलिए इसको, आपका शरीर कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, ये आपके साथ जाएगा। और आपका लोगों के प्रति आचरण क्या है, ये आपके जाने के बाद भी ये दुनिया याद रखेगी कि फला आदमी ने फला काम किया। और देश सेवा के लिए जो आदमी अपने जीवन को रख दे कि भाई मैं देश सेवा में, लेफ्टिनेंट भर्ती हुई है, फौज में भर्ती हुई है देश सेवा के लिए, और आज इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। आप याद करो, बहुत से लोगों का आजादी से पहले यहाँ क्या जीवन था हमारा, गुलामी का। लेकिन यदि लोग कुर्बानी ना देते, लड़ाई ना लड़ते, देश को आजाद ना करते, तो ना आज हमारी सेना होती, ना हमारी मिलिट्री होती, ना हम खुले आसमान में सांस ले सकते। ये फौज की मेहरबानी है कि आज हम सुरक्षित सांस ले सकते, हम सो सकते आराम से। तो इन लोगों को हमें प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत बेटी प्रीति को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तरक्की करेगी, हमारे इलाके का, गांव का ही नहीं, पूरे जिले गुड़गांव का नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शुभकामनाएं। और एक निवेदन भी आपसे करना चाहता हूं।